हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय यादव, सीनियर फैकल्टी डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, सीएलसी सीकर। मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ नीट 2013 ईयर से ईयर 2019 के बीच जो भी क्वेश्चंस आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री के, चैप्टर वाइज उनका डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग। पिछले दो सेशंस कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें सेशन वन में मैंने आप लोगों को रिकॉल करा दूं कि गैसेस स्टेट, मोल कॉन्सेप्ट और रेडॉक्स कंप्लीट किया था। सेशन टू में हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम और आयनिक इक्विलिब्रियम किया था, और आज के सेशन में हम लोग सॉल्यूशन, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड थर्मोडाइनेमिक्स पे चर्चा करेंगे। उससे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको हम लोग कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 48 तक हम लोग कर चुके थे। 49 जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसमें देखिए, हम लोगों को मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम आर डिनोटेड एज सीपी एंड सीवी, हम सब लोग जानते हैं रिस्पेक्टिवली। इफ गामा इज इक्वल टू सीपी अपॉन सीवी, अगर गामा सीपी और सीवी है तो आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, तो सीवी क्या होगा, सीवी का एक्सप्रेशन गामा के टर्म्स में बताना है। अच्छा, हम लोगों को एक बात पता है कि भाई यहाँ पे Cp upon Cv is equal to gamma, okay? And Cp minus Cv is equal to R. ये Mayer's relation है, हमें पता है दोनों का difference R होता है, okay? अब Cp को हम लोग Cv के terms में रख देते हैं, तो gamma Cv हो जाएगा, तो gamma minus 1 into Cv, हम लोगों ने Cv को common ले लिया, is equal to R. यहाँ से क्या आ रहा है भाई, Cv is equal to क्या आ गया, R upon gamma minus, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो है R अपॉन गामा माइनस वन, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अ गैस इज टेकन थ्रू अ साइकिल ऑफ ए बी सी ए, एक साइक्लिक प्रोसेस है हम लोगों का। व्हाट इज द नेट वर्क डन बाय द गैस, तो नेट वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, ओके okay, तो वर्क डन पीवी कर्व दे रखा है हम लोगों को, आसान है, हम लोगों को वर्क डन की डेफिनेशन हमें पता ही है ना। तो जरा देखते हैं कि भाई ए से बी, तो नेट वर्क डन क्या होगा भाई, डब्लू नेट होगा आपका डब्लू फ्रॉम ए टू बी प्लस डब्लू फ्रॉम बी टू सी प्लस डब्लू फ्रॉम सी टू ए। W from B to C आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम कांस्टेंट है, और वॉल्यूम अगर कांस्टेंट है तो यहां पे क्या होगा, ये जीरो होगा W from B to C। अब W from A to B अपन लोगों को, क्योंकि ये वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए वर्क डन, नेट वर्क डन जीरो होता है, ओके। नाउ अब हम लोग जो है इसको कैलकुलेट करते हैं, तो हमारे पास जो डेटा दे रखा है W from A to B, W from A to B देखो क्या होगा, अगर हम इस ग्राफ को समझें तो ग्राफ के हिसाब से A to B जो है, ये जो A से B का जो ग्राफ जा रहा है इसका एरिया टोटल मैक्सिमम ऑब्टेनेबल वर्क देगा हम लोगों को। अच्छा, इसमें वॉल्यूम बढ़ रहा है तो एक्सपेंशन का प्रोसेस है, तो ऑब्वियस है ये नेगेटिव होगा। अच्छा, तो इसमें जो एरिया आएगा, दिस इज द एरिया, ओके, एंटायर एरिया, ओके, एंड दिस एरिया, द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल एंड दिस एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ओके। नाउ अगर हम देखें तो ए टू बी में ये एरिया इंक्लूडेड है एक्सपेंशन के केस में, तो डब्लू फ्रॉम ये आपका बी टू सी तो जीरो हो गया, और डब्लू फ्रॉम सी टू ए कंप्रेशन का केस है, ओके तो डब्लू फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, चलो देखते हैं हम लोग। W from A to B, that is what, half of base into height triangle का area जो होगा, okay, तो triangle ABC का जो area है, triangle ABC का area, okay, now वो कितना होगा, see इसको जरा हम लोग calculate ही कर लेते हैं, half into base हमारे पास कितना है, base हमारे पास है इसको 7 होगा, यहाँ पे 7 माइनस 2 दैट इज व्हाट 5, तो वॉल्यूम में चेंज है, ओके okay? और ये हाइट कितनी है इसकी, देखो हाइट इसकी है 6 माइनस 2, ओके तो 6 माइनस 2 इज 4, ओके 4 और इनटू व्हाट, यहां पे आपका 7 माइनस 2 इज 5, ओके
तो ये तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो गया इनटू व्हाट 10^5 इनटू 10^-3, ये प्रेशर और वॉल्यूम की जो यूनिट दे रखी है 10^5 पास्कल और 10^3 उसके करस्पॉन्डिंग मैंने लिखा हुआ है ओके okay? और अच्छा ये जो है एक नेगेटिव एरिया होगा मतलब वर्क डन जो है नेगेटिव होगा क्योंकि एक्सपेंशन का केस है हमारे पास ओके नाउ तो वर्क डन बाय द गैस इज नेगेटिव ओके सो यहां पे आएगा आपका इसको प्लस कर दें हम लोग और अब ये जो रेक्टेंगल है आपका उसका एरिया कितना होगा भाई ये भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव कितना आएगा माइनस ऑफ प्रेशर 2 × 10^5 और वॉल्यूम चेंज जो है आपका 5 × 10^-3 ओके नाउ अब हम लोग देखते हैं यहां पे W फ्रॉम C टू A इज इक्वल टू कितना है भाई प्लस कंप्रेशन का केस है कंप्रेशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा तो 2 × 10^5 इंटू व्हाट 5 × 10^-3 ओके ये प्रेशर हो गया तो आप देख सकते हैं ये एक्सप्रेशन ये नेगेटिव में और ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव में है तो हम लोग ये कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास जो बचता है कैलकुलेशन करने के लिए वो W नेट क्या आएगा W नेट आएगा हमारे पास माइनस ऑफ हाफ ऑफ 4 × 5 × 10^2 ओके एंड रिमेनिंग जो है आपका कैंसिल आउट हो जाएगा आप देख सकते हैं ये वाला एक्सप्रेशन माइनस में है और ये वाला एक्सप्रेशन प्लस में है तो ये एरिया कैंसिल आउट हो गया है ना अगर इसको हम लोग पिछले ग्राफ से ऑब्जर्व करें तो ग्राफ में देखो C2A जो है आपका ये मैं ब्लू से डिनोट कर दे रहा हूँ तो ये वाला जो एरिया है वो क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि एक बार एक्सपेंशन में लिया है और एक बार कंप्रेशन में लिया है इसको ओके तो आई होप समझ में आ रहा होगा है ना तो W ऑफ नेट कितना होगा 4 × 10^20 नाउ तो यहां से क्या आया माइनस ऑफ 10 × 10^2 दैट इज व्हाट माइनस ऑफ 1000 जूल ओके सो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 50 माइनस 1000 जूल दैट इज आंसर इज 2 ओके तो आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस द प्रेशर ऑफ गैस इज फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ इट्स टेम्परेचर द रेशियो ऑफ सीपी अपॉन सीवी ऑफ गैस सीपी अपॉन सीवी मतलब हम लोगों से गामा पूछा है तो सीपी अपॉन सीवी दैट इज व्हाट गामा ओके हम सब लोग जानते हैं ओके नाउ अच्छा हम लोगों को ये पता है कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है ओके और हमें ये भी पूछा गया बोला गया है कि पी इज इक्वल टू टी की पावर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी टू पावर 3 तो पी जो है टी की पावर 3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अच्छा और हम लोगों को ये भी पता है कि पी जो होगा आपका पी की पावर पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है ना ये हम लोगों को पता है यहाँ पे तो एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हम लोग लिखते हैं यहाँ से ओके तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि पी की पावर 1 - γ इंटू टी की पावर गामा इज इक्वल टू के ऐसा लिख सकते हैं हम लोग तो पी इज इक्वल टू क्या होगा टी की पावर गामा अपॉन गामा माइनस 1 ओके तो इसको जरा हम लोग प्रोपोर्शनलिटी साइन लगाते हैं यहाँ पे इसको जरा हम लोग कंपेरिजन कराते हैं इस एक्सप्रेशन से तो यहां से हम लोगों को गामा अपॉन गामा माइनस 1 जो मिला है वो क्या मिला है 3 ओके इस एक्सप्रेशन से हम लोगों ने इसको कंपेरिजन कराया ओके तो यहां से जो है गामा अपॉन गामा माइनस 1 हम लोगों को 3 मिला तो गामा इज इक्वल टू व्हाट 3 γ - 3 इज इक्वल टू 2 γ इज इक्वल टू 3 γ इज इक्वल टू 3/2 ओके सो आई होप आंसर हम लोगों को मिल गया है ना 3/2 ऑप्शन नंबर 2 विल बी द राइट आंसर ओके चलिए तो आई होप समझ में आ गया होगा ये एडियाबेटिक प्रोसेस पे बेस्ड प्रॉब्लम थी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं Which of the following statement is correct for spontaneous adsorption of a gas?
स्पॉन्टेनियस एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन जब भी होता है किसी गैस का किसी सरफेस के ऊपर, तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे जो एडजॉर्प्शन हो रहा होगा है ना, वो डेल्टा एस इज नेगेटिव एंड देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी हाईली पॉजिटिव। तो डेल्टा एच क्या होगा, हाईली पॉजिटिव, दैट मीन्स आपका डेल्टा एच जो है हाईली पॉजिटिव। ऐसा तो नहीं होगा क्योंकि एंथैल्पी बढ़ती नहीं है, एंथैल्पी यहाँ पे इंटरेक्शन हो रहा है, तो एंथैल्पी बेसिकली क्या होता है, फिजिकल या केमिकल एडजॉर्प्शन जो होगा डेल्टा एच उसमें क्या होता है हम लोगों का यूजुअली क्या होता है, नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग फोर्सेस आ रहे हैं तो एनर्जी रिलीज होती है डेल्टा एच, और एंट्रोपी भी क्या हो रही है इस गैसियस पार्टिकल्स की, रैंडमनेस कम हो रही है, तो एंट्रोपी इज बेसिकली द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। तो चेंज इन एंट्रोपी क्या होगा, पॉजिटिव ना होके क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि एंट्रोपी घट रही है। तो डेल्टा एस इज नेगेटिव, ओके, देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी हाईली पॉजिटिव। ये तो नहीं है, डेल्टा एच एस इज नेगेटिव, देयरफॉर डेल्टा एच शुड बी हाईली नेगेटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव, डेल्टा एस इज पॉजिटिव। तो थर्ड एंड फोर्थ तो आंसर नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर टू शुड बी द करेक्ट वन। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा, एडजॉर्प्शन का थर्मोडायनेमिक्स पूछा गया है उसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। सी, फॉर द रिएक्शन H2O4 लिक्विड गिव्स 2XO2 गैसियस, डेल्टा U आपको दे रखा है, डेल्टा S दे रखा है, और डेल्टा G पूछा गया है। ओके, तो डेल्टा G आप लोगों को पूछा गया है, तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि डेल्टा G इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। ओके, लेकिन अपन लोगों को डेल्टा S तो पता है, डेल्टा S आपको दे रखा है 20 kcal पर केल्विन। ओके, डेल्टा यू आपको पता है, आपको चाहिए क्या है, डेल्टा एच। तो एक काम करते हैं, पहले डेल्टा एच फाइंड आउट कर लेते हैं। तो डेल्टा एच कैसे फाइंड आउट करेंगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू क्या होता है भाई, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी है ना। तो डेल्टा यू आपका कितना है, डेल्टा यू आपका है 2.1 kcal। अच्छा जी, डेल्टा एन जी कितना है इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा एन जी क्या होगा भाई, रिएक्टेंट साइड पे गैसेस कंपोनेंट एक भी नहीं है, यहाँ पे दो हैं, तो डेल्टा एन जी कितना होगा, 2 × what आर की वैल्यू कैलोरी में रखेंगे तो 2 × 10⁵ 3 kcal में। ओके, टेम्परेचर कितना है भाई आपका, टेम्परेचर जो है 300 केल्विन है। ओके, तो अपन क्या करते हैं 2.1 प्लस ओके 4 और 12 ओके, सो दिस इज व्हाट 1.2 मतलब 3.3 kcal ये निकल के आया हमारे पास डेल्टा एच। ओके, अब हमें फाइंड आउट क्या करना है भाई, डेल्टा जी। ओके, इसमें डेल्टा एस अपन लोगों को दे रखा है 20 kcal/K। ओके, 20 kcal/K, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, देखो डेल्टा जी इज इक्वल टू आपका डेल्टा एच 3.3 kcal है प्लस सॉरी माइनस टेम्परेचर कितना है 300। ओके, डेल्टा एस कितना है 20 × 10⁻³, क्योंकि किलो कैलोरी में हम लोग वैल्यूज को ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3.3 माइनस यहां से देखो कितना आएगा, 1000 कैंसिल आउट हो गया, 36 मतलब यहाँ पे माइनस ऑफ 2.7 kcal। ओके, जरा चेक करते हैं ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे मैच कर रहा है, तो 53 का जो आंसर होगा वो 2 होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट फॉर अ रिवर्सिबल प्रोसेस इन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ओके, तो इक्विलिब्रियम के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है कि भाई कोई भी रिएक्शन के लिए जो केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए एक्सप्रेशन लिखा जाता है फ्री एनर्जी चेंज का, वो डेल्टा जी इज इक्वल टू व्हाट, डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी ln ऑफ क्यू। क्यू क्या है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है, ये किसी भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए डिफाइन किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे डेल्टा जी हो जाता है 0। ओके, और इक्विलिब्रियम पे जो है डेल्टा जी तो हो जाता है 0, और क्यू की वैल्यू हो जाती है किसके बराबर, केसी के बराबर। ओके, तो यहां से क्या निकल के आएगा भाई, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ आर टी ln ऑफ केसी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों के पास जो राइट ऑप्शन जाएगा, इसको अगर लॉग के टर्म्स में लिखेंगे तो माइनस 2.30
3 इंटू आर टी लॉग ऑफ के. सो ऑप्शन 2 शुड बी द राइट वन. ओके सॉरी नहीं, ऑप्शन 4 डेल्टा जी है वो. ऑप्शन 4 है ना, ऑप्शन 4 डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.30 आर टी लॉग के. ओके चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर. 55 द हीट ऑफ कंबसन ऑफ कार्बन टू सीओ टू इज दिस वन. द हीट रिलीज अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन गैस इज. ओके सी हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड का दे रखा है, दैट इज सीओ टू गैस फ्रॉम कार्बन प्लस ओ टू. ओके कार्बन सॉलिड प्लस ओ टू गैस. ओके तो यहाँ पे CO2 आपको कितना दे रखा है, CO2 फॉर्मेशन के लिए जो एंथैल्पी चेंज है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -393.5 किलो जूल. ओके पर मोल. अब गौर करने वाली जो बात है वो क्या है भाई कि 35.2 ग्राम CO2, ये जो अपन लोगों को दे रखा है वो 44 ग्राम CO2 के लिए दे रखा है ना. तो 35.2 क्योंकि 44 ग्राम CO2 में एक मोल CO2 का होगा तो एक मोल के करस्पॉन्डिंग ये दे रखा है आप लोगों को. ओके तो अब हम लोग क्या करेंगे कि भाई मोल ऑफ CO2 हमारे पास कितने अवेलेबल हैं जिनको हमें प्रोड्यूस करना है, 35.2 डिवाइडेड बाय 44. ओके अच्छा अब एक मोल के करस्पॉन्डिंग ये हीट है तो डेल्टा एच नेट क्या आएगा भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो किससे, -393.5 डिवाइडेड बाय 44 इनटू व्हाट 35.2. ओके किलो जूल. तो जरा इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. ठीक है सॉल्व करके जो है हमें आंसर जो मिलने वाला है इसको सॉल्व करते हैं जरा. तो सॉल्व करने से हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज व्हाट, इसको जब सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है -393.5 और इसको जब डिवाइड करते हैं तो दैट इज 0.8. ओके तो यहाँ से हम लोगों को निकल के आता है -315 किलो जूल. ओके सो ये सॉल्व मैंने किया है रफ पेपर पे. ओके तो अपन लोग यहाँ से 315 किलो जूल, तो आपका जो ऑप्शन है ऑप्शन इज -315, फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर. ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 56 द करेक्ट थर्मोडायनेमिक्स कंडीशन फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एट ऑल टेम्परेचर. स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए हम लोगों को पता है कि डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव. ओके एंड डेल्टा जी इज डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. किसी भी टेम्परेचर कंडीशन के लिए एक चीज तय है कि डेल्टा जी अगर नेगेटिव हो तो आसान है. तो डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो जाए तो ये पॉसिबिलिटी है ना. डेल्टा एच नेगेटिव हो और साथ में अगर डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो ऑब्वियस है ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा ही नेगेटिव रहने वाला है वॉट एवर द टेम्परेचर कंडीशन आर. ओके सो एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि हमारे पास जो भी है डेल्टा एच अगर नेगेटिव हो गया तो डेल्टा एच नेगेटिव और डेल्टा एस पॉजिटिव. ओके ये कंडीशन ऐसी होगी जिस समय किसी भी रिएक्शन के लिए वो हर एक टेम्परेचर की कंडीशन पे क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सॉरी. ओके विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज एसोसिएटेड विद द एड्सॉर्प्शन. अगेन फिर से वही क्वेश्चन, एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो डेल्टा जी डेल्टा एच एंड डेल्टा एस आर नेगेटिव, ऑल आर नेगेटिव. देखो डेल्टा एच तो नेगेटिव होता है, डेल्टा एस भी नेगेटिव होता है और अगर स्पॉन्टेनियस एड्सॉर्प्शन हो रहा है तो डेल्टा जी भी नेगेटिव होगा. डेल्टा जी एंड डेल्टा एच आर नेगेटिव बट डेल्टा एस पॉजिटिव का तो कोई सवाल नहीं है, डेल्टा एच का भी पॉजिटिव होना सवाल नहीं है. ठीक है ना. ओके डेल्टा जी इज नेगेटिव बट ओके सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 1. ओके सो 57 का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होगा. तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. 58 ये थर्मोडायनेमिक्स से पूछा गया सवाल है जिसमें एक इंसुलेटेड कंटेनर है. इंसुलेटेड का मतलब हम समझते हैं कि इंसुलेटेड का मतलब ये है कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज, एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकता है.
ओके, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपेंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2.5 एटमोस्फियर. ओके ठीक है भाई, 2.5 एटमोस्फियर ठीक है. अब देखो यहां पे इनिशियल वॉल्यूम अपन लोगों को 2.5 लीटर दे रखा है और फाइनल वॉल्यूम 4.5 लीटर दे रखा है. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस ठीक है. अब देखो इंटरनल एनर्जी चेंज पूछा गया, डेल्टा यू इज इक्वल टू व्हाट, क्यू प्लस डब्ल्यू. अब क्यू तो अपना जीरो हो गया ओके, और डब्ल्यू क्या होता है भाई, कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर के अगेंस्ट कोई गैस एक्सपेंड कर रही हो तो ये एक इरिवर्सिबल फिनोमेनन होगा. और यहां पे माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी, डेल्टा वी क्या होगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल ओके. तो डब्ल्यू कितना आएगा, यहां से डब्ल्यू आएगा आपका माइनस ऑफ 2.5 इंटू वॉट, माइनस ऑफ 2.5 इंटू 2.5 लीटर टू 4.5 लीटर, मतलब हमारे पास 4.5 माइनस 2.5 दैट इज 2 ओके. यहां हम लोगों को यूनिट ध्यान रखनी पड़ेगी कि हम लोगों को जो यूनिट दे रखी है वो एटमॉस्फेयर लीटर में दे रखी है ओके. तो यहां देखो कि भाई 2.5 माइनस 2.5 इंटू 2 दैट इज वॉट, माइनस ऑफ 5 एटीएम लीटर ओके. और 1 एटमॉस्फेयर लीटर जो है आप लोगों को दे रखा है कि भाई 1 एटमॉस्फेयर लीटर जो होता है वो 101 जूल होता है ओके. तो इसको जरा हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो माइनस 5 इंटू वॉट 101 जूल ओके, दैट इज वॉट माइनस ऑफ 505 जूल इज द वर्क डन बाय द गैस ओके. तो डेल्टा यू क्या आएगा भाई, डेल्टा यू भी नेगेटिव ही होगा ओके क्योंकि वर्क डन नेगेटिव है, क्यू जीरो है आपका, तो डेल्टा यू माइनस 505 ओके. तो आई होप समझ में आ गया होगा सब लोगों को. तो अपना ऑप्शन 2 राइट जाएगा यहाँ पे ओके. नाउ नेक्स्ट हम लोग 59 नंबर की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा एच इज इक्वल टू व्हाट, 35.5 किलो जूल पर मोल एंड डेल्टा एच इज गिवन, द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस ठीक है भाई. अब देखो डेल्टा एच अपन को दे रखा है और डेल्टा एच दे रखा है और रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी किस टेम्परेचर की कंडीशन पे, तो अपन लोगों को पता है कि डेल्टा जी क्या होना चाहिए भाई, नेगेटिव होना चाहिए है ना स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए. तो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस ये क्या होता है, डेल्टा जी के बराबर, इसको नेगेटिव होना चाहिए. इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि टी डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो डेल्टा एच से बड़ी होनी चाहिए ओके. नाउ तो यहाँ पे अगर अपन लोग टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन व्हाट, डेल्टा एच आपके पास क्या है 35.5 किलो जूल और डेल्टा एस क्या है, डेल्टा एस आपके पास है 83.6 ओके. सो 355 इसको ले लेता हूँ और इसको 836 ले लेता हूँ ओके. अच्छा और यहाँ पे जो है इनटू 1000 ओके ये इतना ही केल्विन होगा आपका. जरा इसको रफली सॉल्व करते हैं हम लोग, 355 836 को हम लोग करीब एक काम करते हैं इसको 355 ओके डेसिमल प्लेस ओके 4 तो आपका 344 ओके तो समथिंग 42 समथिंग आ रहा है ओके. तो 0.42 ओके. तो यहाँ पे जो है एक रफ कैलकुलेशन के हिसाब से 42 टेम्परेचर शुड बी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 0.425 ओके. सो 425 केल्विन से टेम्परेचर क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए ओके. तो ये रिएक्शन क्या होगी, स्पॉन्टेनियस होगी. चलिए आई होप समझ में आ रहा होगा. थर्मोडायनेमिक्स एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और थर्मोडायनेमिक्स से हर साल एक प्रॉब्लम तो ऑन एन एवरेज आती ही है ओके. इसलिए इसको ध्यान से पढ़ना, बिल्कुल आसान है स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस और ये
यूजुअली डेल्टा जी से रिलेटेड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं या थर्मोडाइनमिक सेक्शन से. ओके तो थर्मोडाइनमिक्स में जो है एक सेक्शन थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट भी आता है जिसमें एंथैल्पी ऑफ कंबसन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या हैस लॉ ऑफ हीट समेशन, इससे रिलेवेंट प्रॉब्लम पूछी जाती हैं. ओके तो चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर की ओर बढ़ते हैं आगे. तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है ओके ये क्वेश्चन हम लोग इंटरेक्ट कर चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम में. ओके इसको शॉर्ट में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. फिर से ये क्वेश्चन आया है हमारे सामने. ओके कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस है यहाँ पे और कार्बन डाइऑक्साइड जो है आपको 20 लीटर कंटेनर में दे रखी है किसके साथ, स्ट्रोंसियम ऑक्साइड के साथ. ओके शुरुआत में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका जो प्रेशर दे रखा है आपको वो 0.4 एटमॉस्फियर दे रखा है ना, और केपी जो है आपका वो कितना है 1.6 एटमॉस्फियर इस इक्विलिब्रियम के लिए. तो अगर हम देखें तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन स्टेब्लिश होगी तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो वो कह रहे हैं द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज नाउ डिक्रीज्ड बाय मूविंग द पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर. द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन द प्रेशर ऑफ CO2 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू. तो CO2 अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू CO2 की क्या हो सकती है भाई, केपी इज इक्वल टू व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ओके इज इक्वल टू व्हाट. तो पार्शियल प्रेशर क्योंकि चैम्बर के अंदर सिर्फ और सिर्फ CO2 ही मौजूद है तो उसी का प्रेशर होगा और वो कितना मैक्सिमम जा सकता है 1.6 इक्विलिब्रियम पे वो मैक्सिमम प्रेशर होगा उसका. ओके तो अब वॉल्यूम कितना ले सकते हैं, तो ऑब्वियस CO2 के लिए हम लोग गैसेस लॉ अप्लाई कर सकते हैं, P1V1 इक्वल टू व्हाट, P2V2 ओके और P1V1 इक्वल टू P2V2. इनिशियल प्रेशर आपका 0.4 है, वॉल्यूम 20 है, फाइनल प्रेशर आपका 1.6 हो गया और यहां से अपन लोगों को V2 फाइंड आउट करना है. ओके तो यहां से आपको 4 टाइम्स वी फाइनल जो मिला वो कितना मिला 5 लीटर. ओके सो आसान थी ये प्रॉब्लम, इसको हम लोग जो है पहले भी डील कर चुके हैं पिछले सेशंस में. ओके केमिकल इक्विलिब्रियम में इसको डिस्कस किया है इसलिए इस प्रॉब्लम पे ज़्यादा समय नहीं देते हम लोग. ओके बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर. द बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी ऑफ X2, Y2 एंड XY आर इन द रेशियो ऑफ, ठीक है बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी दे रखा है, डेल्टा एच फॉर द फॉर्मेशन ऑफ XY इज -200. ओके XY का जो फॉर्मेशन है वो क्या है, X2 प्लस Y2 गिव्स व्हाट, XY एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दैट इज व्हाट. देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को डिफाइन डेफिनेशन वाइज हम लोग लिखेंगे तो किसी भी कंपाउंड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है, उस कंपाउंड का 1 मोल उसी के कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स जो कि अपनी नेचुरली एग्जिस्टिंग आइसोलेटेड स्टेट में होते हैं. ओके यहाँ पे एक्स और वाई हम लोग मानते हैं एक्स टू वाई टू फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ओके और यहाँ पे ये जो है एक्स वाई है आपका, तो दिस इज व्हाट -200, ठीक है ना. तो आपका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो है वो है -200 किलो जूल पर मोल. ठीक है ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन -200 किलो जूल पर मोल है. ओके अब हमसे पूछा जा रहा है कि भाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी क्या होगी X2 की. अच्छा इस इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग अगर हम जानते हैं तो किसी भी रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है भाई, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होती है समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट्स माइनस समेशन ऑफ बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स. ठीक है तो अगर हम देखें यहां पे कि हम लोगों ने बॉन्ड एंथैल्पीज दे रखी है, तो सपोज इसकी बॉन्ड एंथैल्पी X2 की है X किलो जूल पर मोल, तो हम लोग इसको X ले रहे हैं क्योंकि आधा मोल ही लिया हम लोगों ने. ओके सो दिस इज से इट इज X या स्मॉल X या सपोज इसको हम लोग कोई वैल्यू दे देते हैं. ओके से H बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी या E. ओके E प्लस हाफ ऑफ अगर X2 की बॉन्ड एंथैल्पी E मानी है हम लोगों ने तो
भाई वाई टू की कितनी होगी, क्योंकि इनका मोलर जो बॉन्ड एंथैल्पी इसका रेशियो दे रखा है, तो वाई टू की जो बॉन्ड एंथैल्पी होगी वो ई बाई टू होगी. ओके नाउ माइनस ऑफ वॉट बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एक्स वाई. ओके तो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एक्स वाई क्या होगी, देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि एक्स एक्स की जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो मैं मान के चल रहा हूँ एक्स. ओके सॉरी ई. बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ वाई वाई जो होगी वो ई के टर्म्स में क्या होगी, ई बाई टू. और बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ एक्स वाई क्या होगी, ई, क्योंकि ऐसा डेटा हम लोगों को दे रखा है यहाँ पे 1:0.5:1. ओके तो 1/2e प्लस 1/2e/2 माइनस ऑफ ई. ओके नाउ ये जो डेटा है वो अपन लोगों को माइनस 200 डेल्टा एच दे रखा है, और इसको जरा हम लोग अब सॉल्व करते हैं. तो ये कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से 1/4e और यहाँ से 1/2, तो यहाँ से आएगा आपका 3e/4 माइनस ई. ओके दैट इज माइनस 200 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ e/4. ओके तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या आ गई भाई, e जो आई है वो आई है आपकी 800 किलो जूल पर मोल. ओके जरा चेक करते हैं कोई ऑप्शन है 800. यस पहला ही ऑप्शन 800 किलो जूल पर मोल है, सो ऑप्शन नंबर 1 विल बी द राइट आंसर 61. देन चलिए आगे 62 वाली प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग. अंडर आइसोथर्मल कंडीशन अ गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड्स फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर. देखो इसमें गौर करने वाली बात यह है कि आइसोथर्मल कंडीशन दे रखी है पहली बात. ओके 300 केल्विन दे रखा है और एक्सपेंड्स फ्रॉम दिस वन अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर. कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर दे रखा है मतलब इरिवर्सिबली इसको क्या कराया जा रहा है, एक्सपेंड कराया जा रहा है. वर्क डन बाय द गैसेस, तो वर्क डन बाय द गैस क्या होगा भाई, वर्क डन बाय द गैस, वर्क डन बाय द गैस, तो वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल डॉट डेल्टा वी. और ये लास्ट ईयर 2019 में आया हुआ प्रॉब्लम है. ओके तो इसमें माइनस ऑफ पी एक्सटर्नल आपका कितना दे रखा है, पी एक्सटर्नल दे रखा है आपको 2 bar. ओके इनटू व्हाट, 0.25 माइनस 0.1, तो 0.25 माइनस 0.1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इनटू 0.15. ओके दैट इज व्हाट, माइनस ऑफ 0.3, जो यूनिट होगी माइनस ऑफ 0.30. ओके ये क्या होगा भाई, बार लीटर. ओके और हमें डेटा दे रखा है कि 1 liter बार इज इक्वल टू व्हाट, 100 जूल. तो 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हमारे पास क्या आएगा भाई, ओके यहाँ पे 100 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3 मल्टीप्लाइड बाई वर्क डन आएगा आपका माइनस 0.3 इंटू 100 दैट कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ 30 जूल. ओके सो थर्ड आंसर आपका करेक्ट जाएगा यहाँ पे 62 नंबर प्रॉब्लम में. चलिए तो थर्मोडायनेमिक्स से एक ठीक ठाक वेटेज था प्रॉब्लम्स का, आप लोगों ने ऑब्जर्व करा होगा हर सेशन में करीब एक प्रॉब्लम तो पूछी गई है. ओके तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग. 2019 में दूसरी जो प्रॉब्लम पूछी गई, मतलब 2019 में दो प्रॉब्लम आई है थर्मोडायनेमिक्स से, तो उसमें दूसरा जो प्रॉब्लम पूछा गया है, इन विच केस चेंज इन एंट्रोपी इज नेगेटिव. ओके सब्लिमेशन, हम लोग सॉलिड से गैसियस में जाते हैं तो एंट्रोपी तो ऑब्वियस है मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी. ओके तो आपका सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड इनटू गैस ये आपका करेक्ट नहीं होगा. ओके सो क्योंकि हमें एंट्रोपी कम करनी है. ओके नेगेटिव का ये मतलब है इस केस में एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बना रहे हैं तो ऑब्वियस है ज़्यादा पार्टिकल्स थे और वो कम पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, दैट मीन्स व्हाट मॉलिक्यूलर फेस में जा रहे हैं वो, तो एंट्रोपी घटेगी, सिस्टम की एंट्रोपी घटेगी तो डेल्टा एस नेगेटिव. तो यही आंसर आपका करेक्ट आंसर होगा. बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं, वेपरेशन ऑफ वाटर एंट्रोपी बढ़ेगी इसमें, एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, अगर गैस एक्सपेंड कर रही है तो ऑब्वियस है रेंडमनेस बढ़ेगी, तो इसलिए हम लोग बोलेंगे कि भाई आपका ऑप्शन नंबर 2 ही करेक्ट होगा. चलिए तो नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर बढ़ते हैं हम लोग. ओके नाउ अब हम लोग जो है सॉल्यूशन के
क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो सॉल्यूशन की जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन चैप्टर सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, ओके। तो ये बेसिक सा कॉन्सेंट्रेशन का प्रॉब्लम है, हम लोग जानते हैं इसको, है ना। तो आई होप सॉल्यूशन पढ़ते वक्त तो हम लोगों को कॉन्सेंट्रेशन याद आता ही है। और मोलरिटी फाइंड आउट करनी है इसमें, 6.02 × 10^20 मॉलिक्यूल्स। इसको मोल कॉन्सेप्ट में भी इस प्रॉब्लम को, इस टाइप के प्रॉब्लम को हमने डिस्कस किया है, तो इसलिए इसको बहुत ज़्यादा समय नहीं देंगे हम लोग, ओके। मोलरिटी फाइंड आउट करनी है, तो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या, 1000 × नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। अच्छा, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आपको कितने दे रखे हैं वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूरिया के मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, n अपॉन na, मतलब नंबर ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, इस तरीके से मोल निकालेंगे, अपॉन वॉल्यूम कितना है हमारे पास, 100 ml, ओके। तो यहाँ से आया 10, ओके। नाउ 10 इंटू वॉट, n हमारे पास कितना है, 6.02 × 10^20, और एवोगैड्रो नंबर हम लोग जानते हैं 6.02 × 10^23, ओके। नाउ यहाँ से मोलरिटी जो आई है हमारे पास, वो मोलरिटी कितनी आएगी भाई, 10 × 10^-3 जाएगा, दैट इज व्हाट, 0.01 मोलर, ओके। सो ऑप्शन 4 शुड बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं आगे, आसान सा प्रॉब्लम था ये, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन। इस प्रॉब्लम को हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया था, ओके। अगर आप लोगों को याद हो, हमारा जो पिछला सेशन था उसमें जो मोल कॉन्सेप्ट वाला क्लास था हमारा, उसको अगर आप लोगों ने देखा हो तो इस प्रॉब्लम को मैंने डिटेल में सॉल्व किया था, ओके। तो इस प्रॉब्लम का एक डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि हमारे पास एक कोई सॉल्यूशन है जिसको हम लोगों को डाइल्यूट करके या किसी भी तरीके से क्या करना है, HNO3 का एक सॉल्यूशन तैयार करना है जिसका वॉल्यूम 250 ml हो, जिसकी मोलरिटी 2 मोलर हो, ओके। और जो है इस जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है उसका जो कंसंट्रेशन है वो 70% W/W है HNO3 का, ओके। तो अगर हम देखें यहाँ पे 250 ml 2 मोलर, ओके। सो क्या होगा भाई यहाँ पे, चलो देखते हैं, 250 ml 2 मोलर सी। तो एक चीज तय है कि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ HNO3 फर्स्ट सॉल्यूशन और सेकंड सॉल्यूशन में बराबर ही होंगे, है ना। तो यहाँ पे मोल कितने होंगे भाई, मोलरिटी 2 × 0.25, आपका वॉल्यूम है लीटर के अंदर, है ना। तो यहाँ पे कितना, 0.5 मोल मौजूद हो रहे हैं, है ना, 0.5 मोल HNO3 के, है ना। 70% W/W HNO3 आपने लिया, ओके, ठीक है। तो HNO3 के मोल कितने होंगे, सपोज करो हम लोगों ने यहाँ पे W ग्राम HNO3 लिया है, ओके। तो W/ HNO3 का मोलर मास ये किसके बराबर होना चाहिए, 0.5 × 63, ओके। इतना ग्राम HNO3 ओरिजिनल होगा, सपोज करो W सॉल्यूशन क्या होना चाहिए जिसका 70% हम लोगों को क्या देगा, हम लोगों को ओरिजिनल अमाउंट ऑफ HNO3 देगा, है ना। तो जरा इसको W ऑफ सॉल्यूशन, जो ओरिजिनल सॉल्यूशन है जिसमें 70% HNO3 है, वो क्या आएगा, देखो 63 × 0.5 × 100/70, ओके। तो यहां से देखो 79, ओके, 45 ग्राम सॉल्यूशन लेना चाहिए। तो देखते हैं जरा ऑप्शन, ओके, ऑप्शन नंबर 3, ओके। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे,
Of the following 0.1 molar aqueous solution, which one will exhibit the largest freezing point depression? Okay, so freezing point depression largest चाहिए हम लोगों को, मतलब delta TF is equal to what? I into KF into M. Okay, तो वो कह रहे हैं कि of the following 0.1 molar aqueous solution, तो molarity सभी की same है, KF भी same होगा क्योंकि solvent same है. Okay, तो I के ऊपर depend करेगा, तो I KCl के लिए कितना होगा? अगर हम लोग कोई डेटा नहीं दे रखा है तो इसको 100% आयनाइज मानेंगे, तो आई की वैल्यू 2 होगी क्योंकि दो आयंस बनेंगे यहाँ पे, के प्लस और सीएल माइनस. इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर 1 होगा, इसका बॉन्ड ऑफ फैक्टर कितना होगा भाई? दो एल्यूमिनियम आयन होंगे, 3 सल्फेट, मतलब 5. ओके, यहाँ पे आई कितना होगा भाई? 3, दो पोटेशियम आयन और एक सल्फेट आयन. तो यहाँ से आई की जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी भाई? देखो 5 और 3 है ना. तो बढ़ते हैं आगे, इसमें आई जो है आपका 3 होगा, डेल्टा टी एफ सबसे ज्यादा डिप्रेशन, लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन. ओके, तो डेल्टा टी एफ लार्जेस्ट किसका होगा? जिसका आई लार्जेस्ट होगा, मतलब आंसर Al2SO4 का होल थ्राइस होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. विच वन इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर एन आइडियल गैस सोल्यूशन, आइडियल सोल्यूशन. ओके, तो जब हम लोग आइडियल सोल्यूशन बना रहे हैं तो डेल्टा पी ऑब्जर्व और डेल्टा पी ऑब्जर्व और पी थियोरेटिकल वो एक ही होगा. ओके, मतलब यहाँ पे रॉल्स लॉ की बात हो रही है. ओके, तो आइडियल सिचुएशन और रॉल्स थियोरेटिकल और जो एक्सपेरिमेंटल है या ऑब्जर्व है वो इक्वल ही रहेंगे. ओके, सो दैट्स वाई क्या होगा, क्योंकि ये रॉल्स लॉ फॉलो करेगा, पी इक्वल होगा तो ये जीरो रहेगा. डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग हमें पता है कि देर इज नो इंटरेक्शन, देर इज इक्वल इंटरेक्शन बिटवीन द सॉल्यूट सॉल्यूट पार्टिकल, सॉल्वेंट सॉल्वेंट पार्टिकल्स. ओके, एंड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सो दैट्स वाई डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो रहेगा. डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग भी जीरो रहेगा. ओके, बट हमें पता है कि कौन सी चीज जीरो नहीं रहने वाली है, देयर एंट्रोपी चेंज. ओके, द एंटायर सिस्टम विल हैव पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज. ओके, सो डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा. ये जीरो नहीं हो सकता क्योंकि रैंडमनेस तो बढ़ी रही है ना. ओके, अच्छा, इसका अगर हमें फॉर्मूला भी जानना है तो फॉर्मूला क्या होगा भाई? माइनस ऑफ एन आर समेशन ऑफ एक्स आई एल एन ऑफ एक्स आई, जितने भी कंपोनेंट हैं इसका एक मैंने जनरल फॉर्मूला लिखा है यहाँ पे. ओके, कि भाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स इंटू आर. ओके, और ये मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपोनेंट इंटू एल एन ऑफ दैट कंपोनेंट. ओके, इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो डेल्टा एस नेगेटिव आएगा, सॉरी डेल्टा एस पॉजिटिव आएगा. ओके, क्योंकि एल एन ऑफ एक्स आई जो वैल्यू निकल के आएगी वो नेगेटिव आएगी. ओके, हर एक कंपोनेंट के लिए. तो आंसर हमारे पास क्या हुआ? 3. ओके, बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर. ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोल पर किलोग्राम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन वाटर इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ वाई इन वाटर, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्विमोलर सॉल्यूशन, मतलब एक्स और वाई दो कोई सब्सटेंसेस हैं जिनको वाटर के अंदर डिजोल्व करा गया है. ओके, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है टी बी फॉर कंपाउंड एक्स, जो बॉइलिंग पॉइंट एक्स का है वो वाई से क्या है? ज्यादा है. ओके, तो बट ऑब्वियस है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स ज्यादा रहा होगा किससे? वाई से. ठीक है, तो क्या होगा भाई? एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाई, सॉरी वाई इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर वाइल एक्स अंडरगोज नो चेंज. ओके, अगर वाई डिसोसिएट हो जाएगा और एक्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि वाई का वॉन्ट ऑफ फैक्टर ज्यादा होगा, मतलब आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो जाएगी. उस केस में वाई का डेल्टा टी बी या टी बी ज्यादा आना चाहिए, जबकि एक्चुअली क्या है, टी बी एक्स का ज्यादा है. तो ये ऑप्शन तो नहीं सिलेक्ट किया जा सकता है ना. ओके, एक्स इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन वाटर, एक्स जो है वाटर के अंदर डिसोसिएशन में जा रहा है, ये पॉसिबल है. ओके, सो ये ऑप्शन के तौर पे रखा जा सकता है. मॉलिक्यूलर मास ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाई. ओके, सो हम लोग मॉलिक्यूलर मास के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते यहाँ पे.
ओके तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सबसे सुटेबल, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को डेल्टा टी बी जो मोलरिटी है दोनों का 0.2 है, 0.2 है के बी, तो जरा चेक कर लेते हैं हम लोग इसको। ओके ओके तो यहाँ पे कोई कमेंट नहीं कर सकते मोलर मास के बारे में, क्योंकि यहाँ पे मोलरिटी दोनों की सेम दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे कि भाई I इंटू के बी इंटू एम फॉर x, I इंटू के बी इंटू एम, तो मोलरिटी हम लोगों को आइडेंटिकल दे रखी है, तो हम लोग कुछ इस पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि भाई यहाँ पे, लेकिन एक बात तय है यहाँ पे कि I x वांट ऑफ फैक्टर y से ज़्यादा होगा x का। ओके सो दैट्स वाई हम लोगों के पास ऑप्शन टू जो है सबसे अप्रोप्रिएट आंसर होगा कि x इज अंडरगोइंग डिसोसिएशन वाटर, ओके, जबकि y नहीं। ओके बढ़ते हैं आगे। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज द सेम वैल्यू ऑफ द वांट ऑफ फैक्टर एज दैट ऑफ Al2SO4 का होल थ्राइस। वांट ऑफ फैक्टर की सेम वैल्यू, पहले तो हम ये देखते हैं कि एल्यूमिनियम सल्फेट के लिए वांट ऑफ फैक्टर की वैल्यू क्या होगी। भाई अगर हम लोग वाटर में इसको डिसॉल्व करते हैं तो एक्वास्पेस में दो आयंस एल्यूमिनियम के और तीन आयंस सल्फेट के, मतलब वांट ऑफ फैक्टर इसका कितना आया एल्यूमिनियम सल्फेट का, आई की वैल्यू आ गई 5। ओके ठीक है, तो 5 किसके करस्पॉन्डिंग है, दैट इज वॉट K4FeCN6 के, तो K4FeCN6 आपका यहाँ पे आई इसका कितना आया, ये भी 5 ही होगा, 4 पोटेशियम आयन और एक फेरी साइनाइड आयन। ओके सो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स पार्ट निकलेगा अलग से, तो आई की वैल्यू दोनों के लिए 5 आएगी, सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। ओके बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 6.5 ग्राम ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इज 732। इफ के बी इज इक्वल टू 0.52 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन विल बी। ओके सो हमें बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मतलब हम लोग क्या करें, पहले डेल्टा टी बी निकालें, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू मोलरिटी। ओके अच्छा, तो नोटिस करने वाली बात यह है यहाँ पे कि भाई एक सोल्यूट है 6.5 ग्राम, ओके उसमें कोई हिंट नहीं दे रखा है, तो हम लोग वांट ऑफ फैक्टर इसका 1 ही मान के चलेंगे क्वेश्चन में। ओके के बी आप लोगों को 0.52 दे रखा है, एम की वैल्यू क्या है भाई, मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे कि भाई 100 ग्राम पे आप लोगों को क्या दे रखा है, वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है, वेट ऑफ सॉल्वेंट दे रखा है, लेकिन आप लोगों को कहीं पे भी मोलर मास ऑफ सोल्यूट नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे समझो ना मेरी बात, मोलरिटी निकालने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, मोलरिटी निकालने के लिए 1000 इंटू वॉट मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके मास ऑफ सॉल्वेंट ठीक है, आपको मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है, ठीक है आपको मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है, ये भी रखा है, लेकिन नोटिस ये करो आपके आपके पास मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट नहीं है, तो हाउ टू आइडेंटिफाई द मोलरिटी, बस यही इस प्रॉब्लम की एक खूबसूरती है कि भाई मोलरिटी आप जैसे ही निकालोगे यहाँ पे फंस जाओगे। ठीक है तो फिर करें क्या भाई, तो फिर उन्होंने एक डेटा और दे रखा है अपन को, क्या कि वेपर प्रेशर दे रखा है 732। ओके तो अपन लोग क्या करें कि भाई वेपर प्रेशर से हम लोग क्या फाइंड आउट करें, वेपर प्रेशर से हम लोग लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पता कर सकते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ओरिजिनल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर क्या है। तो आप ध्यान से पढ़ो कि वो दे तो नहीं रखा है, लेकिन इनडायरेक्ट वे में उन्होंने दिया हुआ है। ओके तो इनडायरेक्ट वे में कैसे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर मेंशन किया है, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड जब टेम्परेचर मेंशन किया है तो अपन लोग क्या बोलेंगे भाई यहाँ पे कि भाई टेम्परेचर जो है आपका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके नाउ तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज द बॉइलिंग टेम्परेचर, और बॉइलिंग टेम्परेचर पे वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा वो 1 एटमॉस्फेयर मतलब 760। तो अपन लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं कि डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू व्हाट,
एक्स ऑफ सोल्यूट ये पता कर सकते हैं। ओके इससे फायदा क्या होगा हम देखते हैं इसको। ओके यहां पे देखो अगर हमें सोल्यूट पता चल गया तो केपी इंटू वॉट मोलरिटी हमें पता चल जाएगी। ओके सोल्यूट का अगर मोल फ्रैक्शन पता चल गया तो हम लोगों को क्या पता चल जाएगा मोलरिटी, क्योंकि मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में हम लोग रिलेशन जानते हैं। ओके तो डेल्टा पी क्या हो गया आपका, डेल्टा पी हो गया देखो 760 माइनस 732। ओके 732 डिवाइडेड बाई 760 ओके इज इक्वल टू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या है आपका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है x ऑफ सोल्यूट क्या है देखो यही पता करना है अपन को x ऑफ सोल्यूट। ओके नाउ अपन लोगों को वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है 6.5। ओके तो वेट ऑफ सोल्यूट आपको दे रखा है, चलो तो हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। तो x ऑफ सोल्यूट आपको पता चल गया। ओके तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट कितना आया, दैट इज व्हाट 28 अपॉन 760। ओके नाउ अपन लोग डेल्टा टीवी पे अप्रोच करते हैं, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू व्हाट केबी। ओके दैट इज व्हाट 0.52। ओके अब मोलरिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट में अगर अपन लोगों को रिलेशन ध्यान हो तो मैं बता रहा हूं यहां पे मोलरिटी इज इक्वल टू व्हाट 1000 इनटू व्हाट मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर बाइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या लिखा जा सकता है 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमें पता चल चुका है ठीक है ना। ओके तो डेल्टा टी बी इज इक्वल टू व्हाट के बी इंटू 1000 इंटू व्हाट आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट और मोलरिटी ऑफ सॉल्वेंट। ओके मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट क्या है 28 बाई 760 और ये तो सॉल्यूट का है 1 माइनस 28 बाई 760 ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या हुआ भाई, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट तो हुआ 18। ओके अच्छा तो चलो अब सॉल्व करना बाकी रह गया इसको है ना, तो यहाँ से क्या आएगा भाई देखो यहाँ से अपन लोग क्या करें, ऊपर बचा 0.52 इंटू 1000 इंटू वॉट 28 760 तो कैंसिल आउट हो गया 18 इंटू वॉट 732। ओके तो यहाँ से हमारे पास जो आता है सॉल्व करने पे दैट कम्स आउट टू बी 1.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके तो इसको मैंने सॉल्व किया है, ओके मेरे को याद है इसको सॉल्व कर लेंगे अपन लोग है ना। तो यहाँ से अपन लोगों के पास जो आया है 1.1 तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ओके ऑप्शन क्या है अपने पास, ऑप्शन जो है क्या आएगा, ये तो आ गया एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा भाई टीबी क्या आएगा, टीबी आएगा 100 प्लस 1.1 ओके दैट इज व्हाट 101.1 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके जरा चेक करते हैं कोई आंसर टैली कर रहा है क्या, 101 ओके हाँ 101 आपका ऑप्शन नंबर 4, सो ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट वन। ओके चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये सॉल्यूशन पे बेस सबसे लेंदी प्रॉब्लम में से एक थी। ओके प्रॉब्लम अच्छी थी बट थोड़ा समय लगेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा और थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कोरिलेट करना आना चाहिए चीज़ों को कि उन्होंने 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर क्यों दे रखा था। ओके नाउ और इस तरीके की खास प्रॉब्लम याद रखना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पर्टिकुलरली पूछा गया है तो आपको वेपर प्रेशर से रिलेटेड जरूर वो ट्रैप करते हैं और वहाँ पे वो वेपर प्रेशर नहीं देंगे क्योंकि ये आपका सेल्फ अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वहाँ पे 760 mm ऑफ मरकरी प्रेशर होगा। ओके बढ़ते हैं आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कंपोजिशन ऑफ द वेपर ओवर एन आइडियल 1:1 मोलर मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन इज करेक्ट। ओके बेंजीन और टोलुइन का आइडियल मिक्सचर हम लोगों ने लिया है, बेंजीन का आपको वेपर प्रेशर दे रखा है, टोलुइन का दे रखा है। ओके नाउ अब जो है वेपर प्रेशर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ, वेपर विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ टोलुइन, द वेपर विल कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टोलुइन, नॉट एनफ इंफॉर्मेशन इज गिवन।
वेपर विल कंटेन हायर. देखो एक बात हम लोग समझ लें कि यहाँ पे जब वेपर्स बनेंगी, एक क्लोज कंटेनर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे जो बेंजीन की और टोलुइन की वेपर्स बनेंगी, बेंजीन एंड टोलुइन, ओके. सपोज करो मैं ए और बी लिख देता हूँ उसको. यहाँ पे जब हम लोगों ने मोल फ्रैक्शन रेशियो लिया, एक्स ए और एक्स बी लिया, जबकि वेपर्स जो बनेंगी उनमें क्या होगा भाई, वाई ए और वाई बी, ओके. तो वाई ए वाई बी जो लिया है, ठीक है, तो वाई ए क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, अपन लोगों को पता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वेपर्स ऑफ ए इनटू व्हाट, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सॉरी डिवाइडेड बाय डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर से. अगर मोल फ्रैक्शन वेपर्स के मिक्सचर में ए कंपोनेंट का वाई ए मान लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड बाय पी टोटल, ओके. और पी टोटल तो अगर देखें हम लोग, तो बेनिन के लिए वाई ए जो होगा वो पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी टोटल, ठीक है. टोलुइन के लिए पी नॉट बी होगा एक्स बी अपॉन पी टोटल. अब जो खास बात है वो ये है कि इक्यू मोलर मिक्सचर लिया है, मतलब एक्स ए और एक्स बी दोनों ही क्या है भाई, बराबर हैं. That is what 1 by 2. अच्छा P total दोनों के लिए बराबर होगा, तो ये वाला जो expression है हमारे पास, ये दोनों के लिए क्या है, same है, identical है, okay. तो जिसका भी P not ज्यादा होगा, अब हमें पता P not benzene का ज्यादा है किससे, P not of toluene से, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वाई ए क्या होगा, वाई बी से ज्यादा होगा, मतलब वेपर फेस में जो कंपोनेंट ज़्यादा होगा वो बेंजीन होगा, बेंजीन की वेपर्स ज़्यादा होंगी, ओके. सो हमारे पास ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट जाएगा कि द वेपर्स ऑफ विल कंटेन अ हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन. आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को कि वेपर हम लोगों ने जो मिलाया है कंपोजिशन बेंजीन और टोलुइन का, उसके करस्पॉन्डिंग फिर वोलाटाइल नेचर और उनका कंपोजिशन डिसाइड करेगा कि वेपर फेस में कंपोजिशन किसकी ज़्यादा आएगी, ओके. वो हम लोगों ने सॉल्व करा मैथमेटिकली, ओके. बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ. कंसीडर द फॉलोइंग लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम लिक्विड वेपर, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, ओके. तो हम लोगों को एक रिलेशन पता होगा, ओके. रिलेशन वो एक्चुअली इन्हीं एक्सप्रेशन से डिराइव होता है. एक्सप्रेशन हमारे पास क्या आता है भाई, एक्सप्रेशन हमारे पास आता है कि भाई ln ऑफ वेपर प्रेशर P2 by P1 is equal to enthalpy of vaporization upon R 1 by T1 minus 1 by T2, okay. तो यहां से हम लोग देखते हैं कि भाई ये expression कहां से आता है, ये जो expression होता है D of LNP, okay, is equal to what, D of LNP is equal to what? Delta H of RT square dot DT. Okay? तो यहां से जो आएगा अपने पास, जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के बाद जो हमारे पास आएगा वो क्या आएगा? LN of P is equal to Delta H upon R 1 by T1 minus 1 by T2, है ना? तो माइनस ऑफ वन अपॉन टी, ओके. जब लिमिट्स लगाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आएगा, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर होगा एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, ये वाला थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा, इसको एक्सप्लेन करेगा ये, ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ओके. तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सॉल्यूशन का नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन चैप्टर से जो पूछा गया 2017 में,
कि मोलरिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ। अब देखो भाई केएफ क्या होगा, केएफ इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट ओनली, ओके। इसका मोलरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, ओके। दैट्स व्हाई क्या होता है कि केएफ और केबी की वैल्यू आप लोगों को दे रखी होती हैं, वो कांस्टेंट होती हैं। अगर वाटर है एज अ सॉल्वेंट तो वाटर के लिए अलग होगी, बेंजीन अगर सॉल्वेंट है या एसीटोन अलग सॉल्वेंट है तो इनके लिए अलग होगी। तो केएफ और केबी आर द प्रॉपर्टी ऑफ, जो केबी और केएफ है ये प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्वेंट है। जैसे केएफ है तो केएफ इज इक्वल टू व्हाट, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, आरटी नॉट एफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1000 इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ओके। तो ये आपका फ्रीजिंग टेम्परेचर है और ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है सॉल्वेंट के लिए, ओके। वाटर के लिए हम लोग लेंगे यहाँ पे केएफ, तो जो 0.52 वैल्यू आती है वो यहीं से निकल के आती है हमारे पास, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, ओके। तो आंसर क्या होगा अपना, अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेगा 73 का, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आप लोगों को हमारा प्रयास, हमारी टीम का प्रयास सराहनीय होगा, आप लोगों के काम आ रहा होगा, क्योंकि हम सारे लोग, हमारी टीम पूरी मेडिकल और जेई विंग की पूरी टीम आप लोगों के लिए काम कर रही है। इस तरीके से जो वीडियो सॉल्यूशंस हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, वो अपलोड किए जा रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, ताकि आप लोग अनइंटरप्टेड वे में अपनी तैयारी कर सकें, ओके। नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा इस फिजिकल केमिस्ट्री के सेशन का, उसमें मैं जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हमारे पास, सरफेस केमिस्ट्री, देन सॉलिड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स एंड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। तो हम लोग कल मिलते हैं दोस्तों, ओके। तब तक के लिए नमस्कार और टेक केयर, और अपना मेहनत से लगे रहिए आप लोग, पढ़ाई करते रहिए।